तो दरवेशों ने जाहिर ये किया कि उन्होंने इसकी बात समझी नहीं कि वो क्या कह रहा है, तो इशारे से उसे कहा कि क्या कह रहे हो तुम। तो वो बंदा फिर करीब आया इनके और आके इनको दावत दी। तो शाह शम्स तबरेज़ साहब ने उनसे कहा कि क्या खिलाओगे, तो उसने कहा कि ये फल हैं ले लो। तो शाह शम्स साहब ने कहा कि तुम अच्छे आदमी हो कि हमें खाने की दावत भी दे रहे हो, खुद अच्छी चीजें खाते हो और मेहमानों को तुम ऐसी चीजें खाने को देते हो। तो बंदा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि नहीं, आप मेरे घर जाइए। घर जाके इनको बेहतर खाना दिया। तो शाह शम्स साहब ने दरवेशों से कहा कि देखो, सबर का फल ये मिलता है। इसी तरह अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो तमाम दरवेश अपने अपने चल दिए, लेकिन शम्स तबरेज़ साहब क्योंकि जिस्मानी लिहाज से देखने में कमजोर लगते थे, तो इनको किसी ने मजदूरी भी नहीं दी कि इतने नाइफ इंसान को क्या हम मजदूरी पे लगाए। तो बाकी सब दरवेश मजे कर रहे थे। तो एक आदमी इन्हें मिला, खड़े थे सड़क पर, तो उन्होंने अपना मुलाजिम भेजा, यहां क्यों खड़े हो रास्ते पे? तो इन्होंने उसके मुलाजिम से कहा कि जाके अपने मालिक से कहो क्या ये सड़क और ये शहर तुम्हारी मलकियत है जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। तो मुलाजिम ने जाके उससे कहा तो वो चल कर आया। उसने महसूस किया कि बंदा वो नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, और उसने माफी इनसे मांगी और घर ले गया अपने। वहां जाके इनकी खातर मुजारात करता रहा और कहा कि जब तक आप इस शहर में हैं, आप खाने के वक्त पे यहां तशरीफ ले आया कीजिए और खाना यहीं खाया कीजिए। शेख शम्स तबरेज़ साहब उसके कहने पे खाने के वक्त जाते नहीं रहे, तो एक दिन वो मिल गया, सुजबस्ती कर ले गया, वहां जाके बकरा जबा किया और इनकी खाता मुतारा की। असल में शाह शम्स तबरेज़ साहब ये बात जब बता रहे थे तो इससे सबक दे ये रहे थे अपने शागिर्दों को कि फकीर पर लाजिम है कि वो सब्र से और तवक्कल से काम ले। कि जब इंसान सब्र से बैठा रहता है, फकीर खास तौर पर, तो रब ताला गैब से उसके बंदोबस्त करता है, गैब से चीजें उसको हासिल होनी शुरू हो जाती है। जब इंसान लोगों के हाथों की तरफ नहीं देखता कि ये कब मुझे कुछ देगा, अपने रब पे तवक्कल रखता है, तो रब ताला अपने बंदों के दिल में ये बात डाल देता है कि मेरे इस फकीर की खिदमत करो, मेरे इस फकीर को कुछ दो, इसकी नान नफके का बंदोबस्त करो। तो ये रब ताला पर तवक्कल का सबक था जो शाह शम्स तबरेज़ साहब ने दिया। तो ये जब मैं वाक्य पढ़ रहा था शाह शम्स तबरेज़ साहब के बारे में, तो मुझे अपने मुर्शिद साहब की कही हुई बात याद आ गई। तो उस वक्त मुझे उस बात का वजन पर पता चला कि दरहकीकत मेरे अपने मुर्शिद मुझे क्या सबक दे रहे थे, जिसको मैंने उस वक्त कोई उतनी गहराई से देखा नहीं था। किसी साहब ने सवाल पूछा है
throughout history, there have been numerous religions. What's to prevent me from having faith in either one of those? What evidence can one present of their existence or lack thereof? Does faith not undermine the presence of evidence? इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में बहुत से मजहब आज तक आए हैं, उनमें कुछ वो थे जो इंसान खुद गढ़े और अक्सरियत उन मजहब की थी जो डिवाइन रिलीजन्स कहलाते हैं। जो डिवाइन रिलीजन्स हैं, अगर उनको हम गहरी नजर से देखेंगे, बगौर मुताला जब हम करते हैं तो एक बात वाजे हो जाती है हम पर कि दर हकीकत वो मजाहब एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि वो एक ही पैगाम की कॉन्टिन्यूटी है। क्योंकि रब भी ये सब देता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, कि हम अपने मुखातिब की जहनी सतह के मुताबिक गुफ्तगू करें। तो जब रब अपने बंदों को ये सबक दे रहा है तो खुद भी उस पर अमल करता है। जो भी डिवाइन मजहब भेजा गया दुनिया में पैगंबरों और रसूलों के जरिए से, किताबों के जरिए से, वो उस दौर के इंसानी जहन की सदा के मुताबिक ही थे, ताकि इंसान को उस पर समझने में और उस पर अमल करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। जो जो इंसानी जहन इर्तकाई मनाजिल तय करता गया मजहब की या पैगाम की लेवल उतना रेज होता चला गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस पैगाम को मुकम्मल कर दिया गया। तो वो मजाहब जुदा जुदा नहीं है, एक ही मजहब की कॉन्टिन्यूटी है जो मुकम्मल हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद। जो पैगाम आए, जो किताब उतारी गई, उसके साथ ही दीन मुकम्मल कर दिया गया। हम जब ईमान लाते हैं तो हमारा जो ईमान मुफस्सिल है उसको भी अगर हम देखें तो वो उसके अंदर हम एक चीज कमिट कर रहे होते हैं कि मैं ईमान लाया उन तमाम पैगंबरों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाए, मैं ईमान लाया उन तमाम इल्हामी किताबों पर जो कुरान पाक से पहले नाजिल की गई। अगर वो जुदा जुदा होते तो फिर ईमान मुफस्सिल यूं ना कह रहा होता। जब हम सिर्फ फर्क ये है कि जिस तरह से आप किताब की का लेटेस्ट एडिशन पढ़ना चाहती है कि ऑथर ने हर एडिशन में वक्त गुजरने के साथ जो चीजें सामने आई हैं उनको नए एडिशन में ऐड कर दिया होता है, तो हम लेटेस्ट एडिशन किताब का लेके उसको पढ़ना चाहते हैं। तो जो फेथ है, जो रिलीजन है, उसका लेटेस्ट पोर्शन तो कुरान पाक है। लेटेस्ट पोर्शन वो पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आया। तो आउटडेटेड पैगाम के पीछे इंसान क्यों जाए, लेटेस्ट के पीछे क्यों ना जाए? इसलिए इस्लाम पर ईमान लाना इंसानी अक्ल के मुताबिक दुरुस्त होगा। ये तो एक इसकी
اسلامی مذاہب ہیں ان کی ایویڈنس صرف اسی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے, اس ایویڈنس تک ہم پہنچ پاتے ہیں جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہاں ایک زمانے میں بات یہ ہوئی تھی کہ یہ جو فرمایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو گفتگو کے دوران میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہم اپنی شکل کو پہچانتے ہیں دنیا آئینے میں, ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں. شکل صورت کو یا جسم کو پہچاننا اس سے مراد نہیں ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں, میں نے اس وقت کان کی مثال دی تھی کہ اگر ہم صرف ایک معمولی سی چیز پر انسان جسم میں اس پہ غور کریں گے کہ یہ کان ہے اور ایک ہمارے چہرے پر وہ ایک خاص اینگل سے ہے, ذرا سا سکل سے فاصلے پر اور ایک اینگل یوں لیے ہوئے, اور پھر کان میں باہر اگر ہم دیکھیں تو مختلف کنٹورز بنے ہوئے ہیں. اس میں صرف اسی کو دیکھ لیجئے کہ یہ اینگل ایسا کیوں ہے, یہ پوری طرح کھل کر سامنے 90 ڈگریز پر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسکل کے ساتھ چپکا ہوا بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی اینگل پر کیوں ہے اور اس کے اندر وہ کنٹورز کیوں بنے ہوئے ہیں. پھر کان میں بالکل باریک سا سوراخ ہے اور اس کے اندر تک, اس کو ہم آؤٹر ایئر کہتے ہیں, اس کے اندر پھر ایک انر ایئر بھی ہے اور جہاں سے وہ ٹنل ونڈ کھا رہی ہے وہاں ویکس ہر وقت موجود رہتی ہے. آپ صاف کیجئے, 5 منٹ کے بعد دوبارہ وہاں ویکس پیدا ہو جائے گی, اس کے بعد پھر تھوڑا سا ڈپریشن ہے, اس میں ایک فلوئڈ رہتا ہے, وہاں بال لمبے لٹکے ہوئے ہیں جو اس فلوئڈ کو ٹچ کیے ہوئے ہیں. اب وہ ایک لمبی تفصیل تھی, میں دوہرا کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. وہ اس میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کان پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی. ہم اپنی آنکھ کو دیکھ لیں, آنکھ کا اینگل ہے ہمارا, پھر اس میں وائٹ ایریا, وائٹ ایریا کے اندر پیپل ہے, کورنیا ہے, کورنیا کے اندر پیپل ہے اور وہاں سے ریز اس میں داخل ہوتی ہیں اور پیچھے پھر جا کے پردہ ہے آنکھ کا. وہ ریز خاص اینگل سے داخل ہوتی ہے, امیج الٹا بنتا ہے, اس امیج کو الٹے کو ہمارا ذہن سیدھا کر کے ریڈ کرتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں. جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ انسان جس کی تخلیق پانی کے قطرے سے ہوئی ہے, جو نجس ہے, اس ایک قطرے کو خون کے لوتھڑے میں کنورٹ اندر کون سا کمپیوٹر ہے جس کو ہم نے پروگرام کیا ہے اور وہ اس قطرے کو خون کے لوتھڑے میں تیار کرتا ہے. وہ خون کا لوتھڑا پھر سالیڈیفائی ہوتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. اس گوشت کے لوتھڑے سے پھر اتنے ویل بیلنسڈ اعضا نمودار ہوتے ہیں
हमारे अंदर कोई कंप्यूटर तो फिट नहीं हुआ जो ये सारे काम सब में आ फिर उन हाथ पांव को देखे आप किस तरह वो प्रोपोर्शनेट होते हैं. बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसे पलना है मां के दूध पर. दो साल का हुक्म है कि माए दो साल तक बच्चे को दूध पिलाए. अगर पैदाइश के वक्त ही उसके दांत होंगे तो मां जख्मी होती रहेगी उसके हाथों. दांत दो साल तक पूरे होते हैं जाके वही वक्त है कि हुक्म है कि फिर दांत दूध छोड़वा दो. अब ये जो इतनी टाइमिंग प्रिसाइज टाइमिंग है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई हमारे जिस्म में? हम तो कोई अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं करते हैं जो ये फ्राइज सर अंजाम दे. तो जब हम इस तरह गौर करते हैं फिर खुदा की कुदरत को का अंदाजा हमें होता है. यही एविडेंस है कि आदमी वहां पे सोचने पे मजबूर होता है कि कोई एक ताकत ऐसी है जो ये काम कर रही है और उस ताकत के लामुतनाही होने का सबूत ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 6 अरब के करीब कही जाती आबादी जिनमें 51% खवातीन है. ये अमल जारी और सारी है हम सब में. तो जो जो हम गौर करेंगे एविडेंस हमें यूं मिलेगी कि कोई कुवत है उस कुवत को हम रब कहते हैं. रिलीजन्स के बारे में एविडेंस हमें गौर और फिक्र के बाद मिलेगी. इसीलिए रब ताला ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि तुम गौर क्यों नहीं करते. इसलिए कि जो जो हम गौर करेंगे हमें यकीन आने लगेगा. तो एविडेंस तो गौर के जरिए से मिलेगी. किसी एक रिलीजन को आप पकड़ लीजिए उसमें बुनियादी चीजें सब में यकसा मिलेंगी. हत्ता कि वो मजाहब जो इंसान ने ईजाद किए उसकी बुनियाद भी उसने वहीं से ली है जो रब ताला ने मजाहब उतारे थे. वहां भी आपको किसी मजहब में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है. किसी मजहब में बद अखलाकी की तालीम नहीं होगी, खुश अखलाकी की तालीम है. किसी जगह किसी मजहब में चाहे वो इंसान ने अगर बनाया है तो भी ईमानदारी को कंडेम किया हुआ नहीं मिलेगा आपको. तो बुनियादी चीजें इंसान ने अपने से मजहब घड़ा वो भी अल्लाह ही के भेजे हुए मजाक से जी. अगर हम कोई भी मजहब हो उस पर जब हम गौर करना शुरू करेंगे तो वहां एविडेंस हमें मिल जाएगी. ये एविडेंस अभी इसी पर गौर कर लें इंसानी जिस्म पर. पहाड़ पर गौर कीजिए कि ऐसी क्या चीज थी कि जमीन के अंदर जो तबकात हैं जिसे हम साइंस की जुबान में प्लेट्स कहते हैं उन प्लेट्स में फॉल्ट आया और वो आपस में जब एक दूसरे से टकराई है मूव करके तो वहां से जमीन उभरी और यूं ये पहाड़ वजूद में आ गए. ये सस्पिक साइंस ये थ्योरी बयान कर. जहां सर्वेट इतनी बड़ी है माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी वजूद में आ गई वो मूवमेंट कितनी शदीद होगी उसको कंट्रोल किसने किया? तो यूं इंसान निशानियां ढूंढ लेता है.
समुंदर हैं। कुरान ये कहता है कि हमने समुंदर बनाए जो एक दूसरे पर चढ़ नहीं दौड़ते। तो हम देखते हैं कि समुंदर जहां मिलते हैं वहां वाकई पानी एक दूसरे पर चढ़ नहीं दौड़ता, बड़ी खामोशी के साथ वो मिल जाता है। तो ये समुंदर किसने ऐसे बनाए जिनको इस तरह कंट्रोल किया, वो ये एविडेंस हमें गौर से मिलेगी, गौर करने से। इन्होंने दूसरा सवाल किया है कि व्हाई इट नेसेसरी टू हैव फेथ, आर वी नॉट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन रैशनल और लॉजिकल थॉट। नहीं, रब ताला ने हमें इस काबिल तो किया है कि हम थॉट्स को फॉलो कर लें, लॉजिक को फॉलो कर लें। ये कैपेबिलिटी मौजूद है हमारे अंदर, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि अगर 6 अरब लोग अपने अपने थॉट्स को फॉलो कर लें, अपनी अपनी लॉजिक को फॉलो कर लें, तो किस किस्म का क्योस पैदा हो जाएगा और वो क्योस हमें कहां ले जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हमें चाहिए कि 6 अरब लोगों के थॉट्स और 6 अरब लोगों की लॉजिक वो गवर्न हो जाए उसके जरिए, वो फेथ है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि दुनिया का कोई मजहब ये तालीम नहीं देगा कि लड़ना झगड़ना अच्छी बात है। दुनिया का कोई मजहब इस चीज की तालीम नहीं देगा कि आप दूसरे को कत्ल कर सकते हो। ये कोड ऑफ कंडक्ट, आप फेथ ना कहिए, रिलीजन ना कहिए, उसे कोड ऑफ कंडक्ट कह दीजिए। इंसान को जो कोड ऑफ कंडक्ट अता होता है वो उसके थॉट्स को और लॉजिक को चैनलाइज करता है, बेहंगम तौर पर उसे बढ़ने नहीं देता। ये बिल्कुल इस तरह से है कि शहर के अंदर से जो बड़े दरिया गुजरते हैं, डेवलप कंट्रीज उनको कंट्रोल कर लेती हैं उनके दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल्स बना के, तो वो दरिया का पानी मुंहजोर होने के बावजूद उसी डायरेक्शन में बहता है, उसी रास्ते पर बहता है जिस रास्ते पर उसका बहाव चाहती है वो कौमे के लिए इधर को रहे, तो वो पानी फैल के तबाही नहीं मचाता। तो हमारे जो थॉट्स और लॉजिक है उसको भी चैनलाइज किया जाना जरूरी है कि अगर मैं किसी आदमी से बिगड़ता हूं और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस आदमी को खत्म कर दूं, तो उसको चैनलाइज किया जाना जरूरी है। तो दो ही चीजें चैनलाइज उसे कर सकती हैं, दुनियावी कानून का सजा का खौफ या अल्लाह के हजूर जवाबदेही का खौफ। और अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए हमारी जिंदगी में तो हमारे रास्ते उस तरफ को चैनलाइज हो जाते हैं जिस तरफ को रब ने हमें सफर करने को कहा। तो इसके फेथ का होना बड़ा जरूरी है, ये एक रीजन इसका बन जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग जल्दी खुश भी हो जाते हैं चीजों से और जल्दी मायूस भी हो जाते हैं चीजों से। जब हम मायूसी के आलम में होते हैं, डिप्रेशन के आलम में होते हैं, तो वहां हमें सहारे की जरूरत होती है, ऐसा सहारा जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसके हजूर हम झुक जाएं और जिसके हजूर अपना तमाम जो दिल का गुबार है वो निकाल लें, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वी नीड शोल्डर टू वीप एट। तो वो एक जरिया हमें चाहिए
तो ये फेथ है जो जरिया हमें प्रोवाइड कर देगा, वो कंसेप्ट है रब का कि रब मौजूद है और वो ऑल टाइम पावरफुल है, वो जो चाहता है कर गुजरता है, वो ये रब ही है जो हमारे लिए बेहतरी के सामान पैदा करता है, ये रब ही है जो हमें मुश्किलों से निकाल देता है। तो ये जो फेथ है ये इसलिए होना बड़ा जरूरी है कि हम फ्रस्ट्रेट ना होने पाए, हम मायूस ना होने पाए, मायूसी से ये फेथ हमें बचाएगा। तो इसलिए हमें हमारे लिए फेथ का होना बड़ा जरूरी है। Why is it that people of faith are so susceptible to unrealistic claims? Is it because the inadequacies of their lives are so apparent that they are willing to forego any doubt or uncertainty to reach peace? इसके अंदर एक मसला हमारे लिए पैदा होता है, ये जो अनरियलिस्टिक क्लेम्स हैं, एक आदमी है जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सैर करके आया है, वह हमें ये बता रहा है कि जो एल्प्स है, एल्प्स का सिलसिला पहाड़ों का, वो ऐसा खूबसूरत है, वियना से 35 माइल्स बाहर निकल जाइए तो एल्प्स का सिलसिला जो शुरू होता है उसकी स्लोप्स पर ऑस्ट्रियन फैमिली जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं, उन्होंने हट्स बनाए हुए हैं, वो इस तरह से खूबसूरत है, वो एक नक्शा खींचता है। एल्प्स का जो हिस्सा स्विट्जरलैंड में है उसका वो एक नक्शा खींचता है। एक आदमी है जो इटली गया है, इटली का वो हिस्सा जो स्विट्जरलैंड के साथ मिलता है, वहां वो कहता है कि साथ ही बहुत बड़ी झील है लगोनो और उसमें शिप्स चलते हैं बड़े बड़े, तो वह आधी झील इटली में है, आधी स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की साइड पर वहां जो शहर है लगोनो, इस झील के किनारे वहां एक पहाड़ी है, उस पर इस तरह से फूल उगाए हुए हैं, उनके दरमियान ट्रेन चलती है, उस ट्रेन क्योंकि उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकती तो बेंच के जरिए उसे पुल किया जाता है ऊपर, वो ऐसी स्टोरी हमें सुनाता है। अब वो शासक जैसे आदमी को उसने ऐसी स्टोरी सुना दी, तो मैंने तो लाहौर नहीं देखा पूरा, तो मेरे लिए तो वो अनरियलिस्टिक किस्म की कहानी बन गई है, मेरे लिए वो सब ख्वाबों की कहानी है। लेकिन एक आदमी हिमालया की तराइयों में घूमता है, वहां की वो नेचुरल ब्यूटी देखता है, तो उसको यूरोप की कहानियां जो उसको सुनाई गई हैं वो ऐसा लगता है बच्चों की कहानियां हैं, वो उससे कहीं ज्यादा कुदरती हुस्न देख के आया है हिमालय की तराइयों पर। जब वो वहां की खूबसूरती की कहानियां सुनाएगा तो ये जिसने कहानियां सुनाई थी एल्प्स की उसको वो अनरियलिस्टिक किस्म की कहानियां लगेंगी कि कहां की कहानियां सुना रहा, ख्वाब देखा है कोई। तो ये जो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक होना है ये मेरे नजदीक एक रिलेटिव टर्म है, एक चीज से अगर मैं वाकिफ नहीं हूं
और कोई आदमी जो उस चीज से वाकिफ है वो उसकी जब मुझे बात बताएगा तो मेरे लिए वो एक नई कहानी होगी जिसको मैं हो सकता है ये कहूं कि ये अनरियलिस्टिक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह की राह में या रिलीजन की राह में जब हम सफर करते हैं तो मैन टू मैन वही कर जाती है कि किसी की एक्सेस कहां तक हुई है। जिन लोगों को कष्ट हासिल होता है वो भी मैन टू मैन वेरी करता है कि उसकी डिग्री क्या है। अब एक लोअर डिग्री ऑफ कष्ट रखने वाला आदमी सुनता है ऐसे आदमी से कष्ट के जरिए से कहानी जिसकी एक्सेस जैसे बाबा फरीद घनशेखर रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने फरमाया था हजरत मुख्तार काजी रहमतुल्लाह अलैह साहब से कि तुम्हारे इस शागिर्द की एक्सेस सिदरतुल मुंतहा तक है। तो अगर कोई ऐसा वली अल्लाह जिसकी एक्सेस सिदरतुल मुंतहा तक है उसकी वो सैर करता है वो किसी ऐसे वली अल्लाह की जिसकी एक्सेस सिर्फ दूसरे आसमान तक है उसको कहानी सुनाए तो उसके लिए वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर बाबा फरीद गणशंकर रहमतुल्लाह अलैह साहब सिद्दतुल मुंतहा की कहानी किसी पैगंबर को सुना दें तो उनके लिए वो बच्चों की कहानी हो जाएगी। तो ये रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक होना है मेरे नजदीक रिलेटिव टर्म है। एक बहुत बड़ा हॉल है फर्ज कर लीजिए 1000 फुट लंबा, उसमें हर 10-20 फुट के बाद एक दरवाजा है, उसका मालिक एक दरवाजा आपके लिए खोल देता है कि इस दरवाजे के अंदर से झांक लो और वो एक बल्ब ऑन कर देता है। उस बल्ब की रोशनी ज्यादा 25 फुट तक जा रही है। आप उस हॉल की जब कहानी किसी को सुनाते हैं तो आप ये कहते हैं कि उसके अंदर फला फला चीज पड़ी हुई है। एक आदमी जिसने उसके 50 दरवाजे खोल के देखी हुई जगह वो आपको कहता है कि नहीं वहां तो ये है। अब हम यकीन नहीं करते क्योंकि हम तो उस दरवाजे में झांक के देख चुके, हम जिद कर रहे हैं कि नहीं वहां है ही सिर्फ इतना कुछ। लेकिन बाद में आपको उसका मालिक उसका दरवाजा दूसरा खोल के दिखाता है, वहां बल्ब ऑन करता है, 25 फुट का एरिया और देख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं जिस हॉल का मैं ये समझा था कि वहां सिर्फ ये पड़ा है वहां तो ये कुछ भी है। तो ये सिलसिला जब आगे जारी होता है तो 50वें दरवाजे को जब खोल के आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं वो आदमी सही कह रहा था जिसको मैंने झुटलाया था। तो ये जो कष्ट की डिग्री है ये भी वेरी करती है। हायर लेवल ऑफ कष्ट रखने वाला बंदा जब कोई कहानी किसी को सुनाएगा तो कम इल्म रखने वाला आदमी उसको अनरियलिस्टिक काउंट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि जो मजहबी लोग हैं वो ससेप्टेबल होते हैं टू अनरियलिस्टिक क्लेम्स ये ज्यादा दुरुस्त शायद ना हो। और ना ऐसा है कि उनकी लाइफ्स की जो इनएडिक्वेसीज हैं वो उनको मजबूर करती है। फकीर जो साहिब कश्फ करामात है उसके पास खाने के लिए पूरा नहीं है, रहने के लिए छत मुकम्मल नहीं है, पहनने को कपड़े पूरे नहीं है। लेकिन जब बादशाह उनसे पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो बड़ी बेनियाजी से कहता है कि सर मेरी धूप छोड़ दो। तो इनएडिक्वेसी नहीं है, शायद उस बादशाह की इनएडिक्वेसी हो और वो ज्यादा सल्तनत की लालच कर रहा हो, ज्यादा बड़े खजाने की लालच उसको हो। लेकिन ये फकीर जो अपेरेंटली डिप्राइव्ड है
sufficient food, sufficient clothing, sufficient inadequate residences की है. उसका आलम ये है कि वो बादशाह को कहता है कि नहीं थैंक यू वेरी मच, जरा मेरी धूप छोड़ दो. तो इनएडिक्वेसी किसकी है ये कहना शायद ज्यादा दुरुस्त ना हो कि जो रिलीजियस लोग हैं उनकी इनएडिक्वेसी है जो उनको ये सब ख्वाब दिखाती है. ऐसा नहीं है. किसी साहब ने पूछा कि आपके ख्याल में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का बेहतरीन तरीका क्या है. बड़े पुरवकार अंदाज में, बड़े डिग्निफाइड वे में हम बैठ के तन्हा या कलेक्टिवली हम दुरूद सलाम पढ़ें. और जिस तरह हम अजान के बाद दुआ करते हैं उसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम महमूद हासिल होने की दुआ करते हैं, इस तरह से दुरूद व सलाम के साथ दुआ की जाए. लेकिन शर्त यह है कि बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में, बहुत पुरवकार तरीके में, ताकि ये पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पुरवकार जिंदगी गुजारते उनके उम्मती भी उतने ही पुरवकार हैं, वैसे ही सुन्नत के मुताबिक पुरवकार रहते हैं. जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र ख्याल रखा कि दूसरों को सहूलत दी जाए, आपकी हदीस भी है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए मुनाफा बख्श हो, और बदतरीन शख्स के बारे में भी हदीस ही सजा बयान फरमाई कि तुम में बदतरीन शख्स वो है जिसके शर से लोग खौफ रहे. हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते हुए, आपकी आमद की खुशी मनाते हुए इस तरह से कोई काम न करें जिससे किसी का रास्ता रुके, किसी के लिए दिक्कत पैदा हो, किसी को सहमत हो जाए. इसके बरक्स खुशी इस तरह मनाएं कि दूसरों के लिए फायदा बख्श हो जाए. इन्होंने अगला सवाल किया है कि क्या कोई वली अल्लाह किसी शख्स पर एक नजर डालकर जान जाता है कि इस शख्स की वफात किस तरीके से होगी. यही मैंने कुछ दिन पहले अर्ज की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ रब है जो सब कुछ जानता है. रब ताला के अलावा यूं फरिश्ते सिर्फ उतना जान पाते हैं जितना रब चाहे कि वो जान ले. वली अल्लाह भी मोहताज है रब ताला का, वो भी सिर्फ उतना जान सकेगा जितना रब ताला उस पर कर्म करे कि ये जान ले. और रब ताला सतारुल अयूब है, दूसरों के पर्दे रखता है, किसी का पर्दाफाश नहीं करता. तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई वली अल्लाह किसी शख्स के बारे में सब कुछ जान सके. वो सिर्फ उसी वक्त जान पाएगा जब रब उसे दिखाएगा, वरना वो शायद एक आम आदमी से भी ज्यादा मजबूर हो जाता है इसलिए कि वो रब ताला की कायम की हुई हदूद के अंदर रहता है. रब ताला जरा सी कोताही पर उसको झटका दे देता है. वो मुझे जैसे गुनाहगार शख्स को तो रब ताला रस्सी दराज कर देगा उसकी, लेकिन अपने दोस्त
कि जरा सी कोताही पर उसे झंझोड़ देता है, झटका देखे। इसलिए वो भले आम आदमी से ज्यादा मजबूर होता है। इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि अल्लाह तो जमानों मकान से मावरा है, तो ये क्यों कहा जाता है कि अर्श अल्लाह की वर्चुअल नशिस्त है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अल्लाह की ओमनी प्रेजेंस है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे मेराज शरीफ पर, तो अल्लाह से जो हम कलाम हुए थे तो कहां हुए थे? महदूद नहीं है वो अर्श तक, वो मुहित है तमाम कायनात पर, लेकिन उसका जो वर्चुअल वजूद है वो कहीं तो है, और वो है अर्श। वो जो कुर्सी का कहा कि उसकी कुर्सी मोहित है, घेरे हुए है तमाम कायनात को, वो उसकी सिफ्त है। अगला सवाल फिर वैसे ही आ गया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है हर वक्त, फिर इससे क्या मुराद है कि रास्ते आखिरी पहर आसमान दुनिया पर आता है और अपने बंदों से कहता है कि कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं, है कोई पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार का जवाब दूं। हमारे यहां एक बात कही जाती है कि अल्लाह मजलूम की हा आह नीचे होकर सुनता है। अब अगर कोई ये कह दे कि रब को क्या जरूरत है, उस तक तो हर आवाज पहुंच रही है, वो नीचे होकर क्यों सुनता है? या ये कहा जाता है कि यतीम की आह बड़ी जल्दी पहुंचती है रब तक, या ये कि यतीम की आह अर्श को हिला देती है, मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। ये अर्श कैसा है कि एक आह से हिल गया? बात यह है कि कुछ चीजें हम एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं, तो लोगों को रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह के हजूर झुक जाने की तरगीब देने के लिए, अगर उस पहर की फजीलत बयान करते हुए ये कह दिया कि उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतर आता है, निचले आसमान पर आ जाता है, और वो आवाज उसके फरिश्ते ले आती है कि इस वक्त है कोई मांगने वाला जिसको रब दे, और है कोई ऐसा जो मुझे पुकारे, रब कह दे तो मुझे पुकारे, मैं उसकी पुकार का जवाब दूं। वो तो हर एक की पुकार का जवाब दे रहा है। तो बात यह है कि ये उस पहर की इबादत की फजीलत को बयान किया गया है कि जो लोग तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह को पुकारते हैं, रब ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। इससे मुराद ये है हम अल्फाज पर न जाएं, उसकी रूह पर जाएं। तो उसकी रूह ये है कि जो लोग अल्लाह की इबादत के लिए रात के उस पहर में उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं, वो अल्लाह के बड़े करीब बंदे हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, ये इसकी रूह ये है।